Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to cover an English chapter of class 3rd and name of the chapter is Puppy and I. Puppy हम बोलते हैं जो आपका dog का baby होता है उसको. So in this video मैं आपको chapter explain करूँगी, जो important words होंगे उनके meaning आपको बताए जाएंगे and then हम लोग NCERT के question answers भी इसी video में करेंगे और उसके बाद आपकी quiz आएगी जैसा आप सभी जानते ही हैं, जिसमें कि test होगा कि आपको कितनी अच्छे से topic समझ में आया है. सो लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो. ओके, सो आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गो टॉकिंग, मैन एंड आई. मैं एक आदमी से मिला जब मैं जा रहा था. व्हेन आई वेंट वॉकिंग, वी गो टॉकिंग, मैं और जो मैन था हम लोग बातें करने लगे. मैन एंड आई, मैन आदमी और मैं. ये एक बच्चा अपनी स्टोरी बता रहा है एक्चुअली. वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड, मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. आई सेड टू मैन एज ही वेंट बाय, क्योंकि वो जा रहा था जो आदमी है कहीं पर, और तब इस बच्चे को मिलता है तो ये उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं. डाउन टू विलेज टू गेट सम ब्रेड, तो वो कहता है कि मैं तो विलेज में जा रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, टू गेट सम ब्रेड, कुछ रोटी लेने के लिए. विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, मैन बच्चे से पूछता है. तो ये कहता है नो नॉट आई, नहीं नहीं मैं नहीं. I met a horse as I went walking, जब मैं जा रहा था फिर मैं एक horse से मिलता हूँ. We go talking, horse and I, हम लोग बातें करने लगते हैं, मैं और जो horse होता है वो. Where are you going to horse today, horse, आज तुम कहाँ जा रहे हो. I said to horse as he went by, क्योंकि वो went by, वो पास हो रहा था, जा रहा था कहीं पर, तो मैंने उससे पूछा. Down to the village to get some hay. मैं विलेज जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ, कुछ hay, कुछ घास लेने के लिए, क्योंकि घोड़ा घास खाता है. Will you come with me? क्या तुम मेरे साथ आओगे? No, not I. नहीं, मैं नहीं आऊँगा. Okay? I met a puppy as I went walking. फिर मैं जा रहा था तो मैं एक puppy से मिलता हूँ, एक dog के baby से मिलता हूँ. We get talking, puppy and I. तो हम लोग बातें करने लगते हैं. Where are you going this fine day? इतने अच्छे दिन में तुम कहाँ जा रहे हो. आई सेड टू पपी एज ही वेंट बाई, मैं उससे पूछता हूँ क्योंकि वो वेंट बाई पास हो रहा था, जा रहा था वहाँ से. अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, मैं जा रहा हूँ हिल्स के, पहाड़ियों के ऊपर, वहाँ पर मैं रोल करूँगा और खेलूँगा. आई विल कम विद यू पपी, सेड आई, तो मैं कहता हूँ कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. होता है ना बच्चे जो खेलने जा रहा है उसी के साथ चल देते हैं. तो मैं एक बार जल्दी से पोएम फिर से रीड कर देती हूँ. I met a man as I went walking. We got talking. Man and I. Where are you going to, man? I asked. I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse as I went walking. We got talking. Horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We go talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I'll come with you, puppy, said I. Okay? A.A. Milan ये poem लिखी है. New words, village, गाँव, hills, पहाड़ियाँ, bread, bread को भी बोल सकते हैं, फिर रोटी को भी bread बोलते हैं, hay, घास, roll करना, जब आप roll करते हैं गोल गोल नीचे लेट कर गोल गोल घूमते हैं, play, खेलना. ओके, तो ये आपके वर्ड मीनिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज आई इन द पोएम, इस पोएम में मैं कौन है, कि मैं जा रहा था उससे मिला तो मैं इसमें एक बच्चा है. तो आंसर विल बी आई इन द पोएम इज अ स्मॉल चाइल्ड. आई कौन है, एक छोटा बच्चा है इन द पोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द, वेयर इज द मैन गोइंग, आदमी कहाँ जा रहा था. सो द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, आदमी जो है वो विलेज गाँव जा रहा था कुछ ब्रेड लेने के लिए. नेक्स्ट इज वाई डिडेंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, बच्चा हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया. द चाइल्ड डिडेंट गो विद द हॉर्स, उसके साथ हॉर्स के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि द हॉर्स वॉज गोइंग टू विलेज टू गेट सम हे, क्योंकि जो घोड़ा है आपका वो घास लेने के लिए जा रहा था, बच्चा घास का क्या करेगा. ओके, सो दैट इज वाई ही डिडेंट वेंट विद द हॉर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द चाइल्ड गो विद पपी, बच्चा जो पपी के साथ क्यों गया. The child wanted to play and puppy was going to play. बच्चा खेलना चाहता था जैसे हमेशा ही छोटे बच्चे चाहते हैं और वो खेलने ही जा रहा था. So the child went with the puppy. इसलिए वो puppy के साथ चला जाता है. Next is, अब आपके लिए question है, do you have a pet? क्या आपके पास pet है? या आपके लिए question है तो आप yes भी लिख सकते हैं, otherwise आप no भी लिख सकते हैं. Okay, ये yes एक tentative answer है. Exact आपके पे depend करेगा कि आप क्या answer देते हैं.
टॉक अबाउट द थ्री थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर. आप और आपका पेट साथ में क्या करते हैं. तो अगर आपके पास कोई डॉग पेट है या फिर कुछ भी, तो आप फुटबॉल खेल सकते हैं साथ में, टीवी देख सकते हैं, एंड वी स्लीप इन द सेम रूम. नेक्स्ट इज हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट. आप अपने पेट को लुक आफ्टर कैसे करते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं. टेल द क्लास इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. अपनी लैंग्वेज में पहले अपनी क्लास में आपको ये बताना है, उसके बाद इंग्लिश में. तो मैं आपको एक छोटा सा ही बता देती हूँ, आप ये बता सकते हैं. माई कैट्स नेम इज़ कैटी. जो भी आपकी कैट का, आपके डॉग का, आपके पेट का नाम है, पैरट का, जो भी आपका पेट है, आप उसका पहले नाम बताएंगे. आप क्या करते हैं, कैसे उसको टेक केयर करते हैं. आई मेक अ बेथ माई कैट कैट कैटी एवरी डे. तो मैं डेली रोज़ अपनी कैट को नहलाता हूँ. आई प्ले विद कैटी इन द गार्डन. उसके बाद मैं उसके साथ गार्डन में खेलता हूँ. अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ डॉग्स के नाम दिए हुए हैं. आपको पता होगा डॉग्स के डिफरेंट ब्रीड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके नाम होते हैं. तो आप नाम देख लीजिए. एग्जाम में हो सकता है आपको किसी डॉग के पिक्चर देकर पूछ लिया जाए कि ये कौन सा डॉग है. देखिए, ये फर्स्ट है आपका, ये बुल डॉग है आपका, ये बॉक्सर है. नेक्स्ट इज जर्मन शेफर्ड, दिस इज डॉबरमैन. ओके, तो चार आपको डॉग्स दिए हैं, इनके नाम आप याद रखना कौन कैसा दिखता है. नेक्स्ट है जॉइन द डॉट्स एंड कलर द नेम, कलर एंड नेम ऑफ द डॉग. इसका इसमें कलर करिए, डॉट्स को जॉइन करके एक डॉग बनाइए, और उसके बाद आपको इसका नाम देना, कोई भी नाम दे सकते हैं. नेक्स्ट है मैच द एनिमल विद देयर साउंड. एनिमल्स को उनके साउंड के साथ आपको मैच करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप सभी. देखिए, सबसे पहला है हॉर्स. हॉर्स की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं नी, एन ई आई जी एस. तो इसको आप यहाँ से मैच कर देंगे. डॉग, डॉग की साउंड को हम बोलते हैं बार्क. नेक्स्ट है शीप. शीप की साउंड को आप बोलते हैं ब्लीट. कैट, कैट होती है म्याऊ करती है क्योंकि वो. नेक्स्ट है आपका एलिफेंट. एलिफेंट की साउंड होती है ट्रम्पेट. टाइगर, टाइगर क्या करता है, रोर करता है, दहाड़ता है. और काउ, मूस. ठीक है, तो ये आपके एनिमल्स और उनके साउंड्स हैं, इनको आप मैचिंग कर लेंगे और याद कर लेंगे किसकी साउंड को क्या कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट दिस एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल्स. इनमें से कौन से डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर है जो आपके घर में रह सकते हैं, और कौन से वाइल्ड एनिमल्स है जो कि जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर है. तो जैकाल, गीदड़ जिसे आप बोलते हैं, डेफिनेटली वाइल्ड एनिमल है. तो आप वाइल्ड एनिमल के नीचे यहाँ पर जैकाल लिख देंगे. नेक्स्ट इज फॉक्स, ये भी वाइल्ड एनिमल है. टाइगर, ये भी वाइल्ड एनिमल है. डॉग आपका डोमेस्टिक एनिमल है. काउ डोमेस्टिक एनिमल है. एलिफेंट वाइल्ड एनिमल है. बेयर वाइल्ड एनिमल है. शीप वाइल्ड एनिमल है. गोट, सॉरी, शीप इज डोमेस्टिक एनिमल. वेट, सॉरी, ये शीप आपकी डोमेस्टिक एनिमल है. गोट डोमेस्टिक एनिमल है. एंड बफेलो भी डोमेस्टिक एनिमल है. तो जो भी जिसकी कैटेगरी में आएगा वो आप नीचे लिखते जाएंगे. ओके, जिनको आप घर में रख सकते हैं वो डोमेस्टिक है. जो जंगलों में ही रहते हैं वो आपके वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. नेक्स्ट है आपके राइमिंग वर्ड्स. दो दो राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं. मैं बता देती हूँ एक एक आपको. देखिए, हिल, हिल का हो सकता है बिल. अच्छा, एक काम करते हैं, एक राइमिंग वर्ड मैं लिखती हूँ, एक आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के. ओके, बिल, दूसरा आप बताइए क्या हो सकता है. हे, मे, और मैं ही बता देती हूँ, हो सकता है आपको आंसर ना पता हो. बिल, टिल. हे का हो सकता है मे, से. नेक्स्ट है फाइन, डाइन, शाइन. डाइन करना खाना, जिसको आप बोलते हैं से डिनर. गेट, सेट, बेट. गोइंग, डूइंग, शोइंग, बोइंग, बी ओ ई आई एन जी. ओके, शोइंग बोइंग लिख दीजिए क्योंकि डूइंग बहुत मैच नहीं कर रहा है इसके साथ. बी ओ ई आई एन जी. बोइंग आपको पता होगा, एक प्लेन का नाम है. हेयर, देयर. ई आई आर लिख दीजिए, टी एच ई आर ई लिख दीजिए, दोनों की सेम ही स्पेलिंग है. शेयर, या फिर शेयर और केयर लिख दीजिए. हेयर, शेयर एंड केयर. ओके, आप अगर चाहे तो इनके और कोई राइमिंग वर्ड अगर आपको आते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज मुझे दो दो बताने ही थे आपकी एनसीईआरटी में पूछे हुए आपसे. तो आप अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं. अब नेक्स्ट, आपको एक छोटी सी पोएम दी हुई है. ब्रूनो, ब्रूनो इज माई पेट पपी. ब्रूनो मेरा पेट पपी है. ही ब्रेक्स हिज डिश. वो अपनी डिश को हमेशा तोड़ देता है. ही इज सैड. वो अब सैड है क्योंकि उसकी डिश टूट गई है. डैडी गेव हिम मिल्क. डैडी उसको मिल्क देता है, बट ब्रूनो इज सैड. लेकिन ब्रूनो सैड है अभी भी क्योंकि उसको डिश ही टूट गई उसकी. मम्मी गोस, मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश. मम्मी उसको एक नई डिश दे देती है. नाउ ब्रूनो इज हैप्पी. अब ब्रूनो हैप्पी है. क्वेश्चन पूछे हुए आपसे नीचे. ब्रूनो इज माई डैश. ब्रूनो क्या है, मेरा पेट है या डिश है? तो ब्रूनो इज माई पेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही ब्रेक्स इज. उसने अपनी क्या ब्रेक कर दी, डिश. जो बर्तन था जिसमें वो खाता होगा वो उसने ब्रेक कर दिया, डिश. डैडी गेव हिम. डैडी ने उसको क्या दिया, मिल्क. मम्मी गिव्स हिम अ न्यू. मम्मी ने उसको क्या दी, एक नई डिश दी. ब्रूनो इज नाउ. अब ब्रूनो क्या है, नाउ ही इज हैप्पी. अब वो खुश है. ओके,
सो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे, आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग पोएम को अच्छे से देख लीजिए, क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लीजिए। इसके बाद इसकी एक आपकी क्विज आएगी जिसको सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है, जिसमें कुछ MCQ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे, जिसमें पोएम के बीच के भी क्वेश्चन होंगे और लास्ट में जो आपको पूछा हुआ है कि किसकी साउंड को क्या बोलते हैं। प्लस आप एक चीज़ एक्स्ट्रा और कर लीजिए इसमें कि जो एनिमल्स हैं उनके बेबीज़ को क्या बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके सो दैट्स ऑल, ये आपका टॉपिक था, अगर आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।